वीवीएस लक्ष्मण जब 281 उन्होंने बनाया तो तब उनके पास वो हमारा बैट था। सहवाग जब उन्होंने 309 बनाया तो वो हमारे बैट से खेलते थे। युवराज सिंह ने जब 6 छक्के लगाए T20 वर्ल्ड कप में तो उनके पास उधर हमारा बैट था। और विनिंग शॉट ऑफ 2011 वर्ल्ड कप में जो धोनी ने लगाया लास्ट में छक्का, वो भी हमारा टन का बैट था। अरबों की आबादी वाले देश में जहां क्रिकेट एक धर्म है, हम अनसुने क्रिकेट नायकों की कहानियों का प्रदर्शन करते हैं जो सिर्फ बड़े ड्रीम्स देखते नहीं, उन्हें सच भी करते हैं। मेरे फादर बहुत कीन क्रिकेटर थे और वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, तो किसी फैमिली वजह से वो नहीं खेल पाए और अपने नाम से बैट्स बनाने, सरीन स्पोर्ट्स एसएस के नाम से बैट्स बनाने शुरू करे 1969 में। उन्हीं का ड्रीम मैं 1996 में जब मैंने ज्वाइन किया, कुछ चीज़ें जो चीज़ हम ऐड कर सकते थे अपने ब्रांड को और अच्छा बेटर बना सकते थे, उसको फोकस करने के लिए हमने और काफ़ी चीज़ें रिफॉर्मेशंस करी। मेरा जो इन्वॉल्वमेंट था वो शुरू से ही इंडियन टीम के प्लेयर थे उनके साथ बहुत ज़्यादा था। उन लोगों ने मुझे बहुत सिखाया, जैसे मिस्टर सौरव गांगुली लाइक अ मेंटर टू मी, मिस्टर अजय जडेजा, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, इन लोगों के मैंने बैट शुरू में बनाए, तो उन लोगों ने मुझे बहुत समझाया सिखाया, उस तरीके से मैंने बैट बनाए और उनको दिए, तो वहीं से ट्रेंड सेट और ट्रेंड चेंज होने का टाइम शुरू हुआ। एक्चुअली क्या है कि हर प्लेयर का ना बैट का रिक्वायरमेंट अलग होता है। कोई नॉर्मल ब्लेड से खेलता है, कोई लॉन्ग ब्लेड से खेलता है, कोई भारी बैट से खेलता है, कोई हल्के बैट से खेलता है। अगर इंडिया में खेल रहे हैं तो कैसा बैट चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं तो कैसा बैट चाहिए, इंग्लैंड जा रहे हैं तो कैसा बैट चाहिए, तो जो उनको चाहिए, जैसा उनको चाहिए, उनको समझना और वैसा उनको डिलीवर करना और वो बैट में अच्छा परफॉर्म करना, तो ये दिस इज़ द USP। जब भी कोई प्लेयर अच्छा खेलता है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो उससे बहुत खुशी होती है। वी फील वेरी सेटिस्फाइड, वी हैव डन अ गुड जॉब। होपफुली मैनी मोर टू कम, कि आगे भी हम इस चीज़ को करते रहेंगे।